नमस्कार दोस्तों, आज की इस हमारी नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आपको इस एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल मैं आज इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो पूरी देखें। अगर स्किप कर करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पीजी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इसके लिए आपको डेट है 10/9/2020 से ये एडमिशन शुरू हो चुकी है और ये एडमिशन है 21/9/2020 तक। मीन्स आपके पास 21 तारीख तक का, इस महीने के 21 तारीख तक का आपके पास वक्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेट ध्यान में रख लीजिए, अगर ये डेट आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट के लिए, सबसे पहले आपको करना है प्रोस्पेक्टस। क्या करना है आपको? प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए। प्रोस्पेक्टस की प्रिंट निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, और प्रोस्पेक्टस लाइन बाय लाइन पढ़िए, जिसकी वजह से आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियरली कंफर्म हो जाएगी कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। और वैसे में हम आगे देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म पूरा सेफली अच्छे से कैसे भरे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, देखिए, यू कैन सबमिट मोर देन वन फॉर्म बट ओनली लास्ट अपलोडेड फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड। तो बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं फॉर्म फिल करने में, फिर वो पैनिक कर देते हैं कि मेरा गलत हो गया फॉर्म, अब कैसे करे, किसको पूछूं, अब कैसे करे, क्या करना है, वो बहुत पैनिक कर लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म गलत भी होता है तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, अगर आपका दोबारा गलत होता है तो आप थर्ड टाइम फॉर्म भरो, फोर्थ टाइम फॉर्म भरो या फिफ्थ टाइम फॉर्म भरो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो लास्ट में अपलोडेड फॉर्म होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा, इसलिए आपको पैनिक करने की कोई बात नहीं है। नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपी टू एनसीआर या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को, केटीपीएल को, किसी को भी आपको हार्ड कॉपी आपके फॉर्म की सबमिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आप अभी है हमारा फी स्ट्रक्चर। ओपन कैटेगरी और ओएस स्टूडेंट्स के लिए फी स्ट्रक्चर है 1500 रुपीज। एससी एसटी वीजे एनटी, इनके लिए फीस है 750 रुपीज। ओबीसी एसबीसी एसईबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी 750 रुपीज। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्रोस्पेक्ट पढ़ लीजिए, आपको सारी बातें वहीं से क्लियर हो जाएगी। तो मेजर पॉइंट आता है, एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने ये चीजें फॉलो नहीं की। तो सबसे पहली चीज है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिशियल या फिर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको ये अटैच करनी होगी, अपलोड करनी होगी। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, If the candidate has not uploaded the latest passport size photograph and his own signature, आपको आपकी signature और photo upload करना है। अगर आपने नहीं किया तो, और इसकी size file की 50 KB के अंदर होनी चाहिए। Next है scan copy of the marksheet और grade card। आपको grade card आपके college से मिल जाएगा, वो grade card ले लीजिए और वो आपको scan करके upload करना पड़ेगा। If the scan copy of the college last attended TC और living certificate और migration is not uploaded, अगर आपने आपकी TC upload नहीं की तो आपका form reject हो जाएगा। आपको अपलोड करना है सेल्फ डिक्लेरेशन, इसलिए कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो ऑथेंटिक है, वो सही है और उसमें कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट से अपेंडिक्स डी डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे प्रिंट निकालिए और उसे फिल करके आपको अपलोड करना है। मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है कि आपको कैसे डाउनलोड वगैरह करना है। सबसे मेजर चीज आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको मार्कशीट या ग्रेड कार्ड, जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, वो आपको कॉलेज से मिलती है, वो आपको अपलोड करना है, ये आपको लगने वाली है। टीसी लगेगी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप आईसीआर कोटा से ले रहे हो या फिर आईसीआर स्टूडेंट हो तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगी। आपको डोमिशियल लगेगी, डोमिशियल मीन्स आप जिस स्टेट में रेसिडेंस करते हो उस स्टेट की डोमिशियल सर्टिफिकेट होती है, वो आपको लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगी, पर ये एसईबीसी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट, एनएसएस सर्टिफिकेट, ये आपको दोनों आपको एडिशनल पॉइंट्स देते हैं, 0.12 पॉइंट इन सर्टिफिकेट का मिलता है और वो आपके मार्क्स में परसेंटेज में ऐड होता है। सर्टिफिकेट ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने कोई गेम्स खेले हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आने वाले हैं, पर वो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, वो इंटर यूनिवर्सिटी मीन्स दो यूनिवर्सिटी के बीच में, या फिर आप क्रीड़ा महोत्सव में गए हैं, अश्वमेध में गए हैं, या फिर स्टेट लेवल कोई कॉम्पिटिशन है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, वो सर्टिफिकेट चलेगी, पर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन की सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगी।
सर्टिफिकेट ऑफ डिबेट एसे एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन ऑफ द स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, अगर आपने किसी डिबेट एसे में पार्टिसिपेट किया है तो सर्टिफिकेट आपको काम आने वाली है, पर वो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये सर्टिफिकेट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, ये सर्टिफिकेट इशू करता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ठीक है, और ये 2018-19 या 19-20 की होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट आपको अपेंडिक्स बी में मिल जाएगा, प्रॉस्पेक्ट पढ़ लीजिए, उसमें अपेंडिक्स बी है, और वो जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। पर ये सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जिनके पास लैंड है, फार्मलैंड ओनर्स है और फार्मर्स है, और जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम वो उस लैंड से कल्टीवेट होता है, एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट फैमिली इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम द कल्टीवेटिंग दिस लैंड, उनके लिए ये सर्टिफिकेट होता है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये सर्टिफिकेट किसे लगते हैं, जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड होता है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर आपकी लैंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड में आती है तो। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत काम की चीज है, वेटेजेस। वेटेजेस में आपको दिखेगा कि जो सर्टिफिकेट्स है उनको कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि हमने बोला था एनसीसी और एनएसएस, इसके कुछ पॉइंट्स ऐड होते हैं। कितने पॉइंट्स ऐड होते हैं? एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के 0.12 पॉइंट्स ऐड होते हैं, और एनएसएस के भी 0.12 पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई और इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट्स का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इस टेबल के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए, अगर आपको स्पोर्ट्स में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फिर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए इतने, नेशनल चैंपियनशिप के लिए इतने और स्टेट चैंपियनशिप के लिए इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और क्रीड़ा महोत्सव है उसमें इतने मिलेंगे। अगर आपके पास डिबेट एसे और एलोकेशन कॉम्पिटिशन अगर स्टेट लेवल का है तो उसका सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आपको 0.12 पॉइंट्स मिलेंगे। पर आप एक बात ध्यान में रखिए, मैक्सिमम पॉइंट्स 0.25 के ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास एनएसएस है तो आपके 0.12 पॉइंट यहाँ ऐड हो गए, अगर आपके पास किसी डिबेट स्टेट लेवल कंपटीशन का सर्टिफिकेट है तो उसके 0.12 हो गए, 0.24, तो ये हो गए आपके दो सर्टिफिकेट के, तो अभी आपका सिर्फ 0.1 पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो उसमें 0.1 ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इनटेक कैपेसिटी। इनटेक कैपेसिटी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की कितनी है? महाराष्ट्र में चार यूनिवर्सिटीज है, एमपी केवी राहुरी, डॉक्टर पीडी केवी अकोला, वीएनएम केवी परभनी एंड डॉक्टर बीएसके केवी दापोली। ये है डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आपको टोटल 13 सब्जेक्ट्स है, एग्रोनॉमी, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इतने सब्जेक्ट्स हैं और इनकी सीट्स दी है। देखिए, पूना कॉलेज जो है उसमें एग्रोनॉमी के लिए 6 सीट्स है, राहुरी में 15 सीट्स है, कोल्हापुर में 6 है, धुले में 4 है, अकोला प्रॉपर अकोला यूनिवर्सिटी में 24 सीट्स है, अमरावती में कोई सीट नहीं है, नागपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज है जो नागपुर का, उसमें 12 सीट्स है, परभनी में 13 है, लातूर में 12 है, बदनापुर में 6 है, दापोली में 8 है। तो टोटल सीट्स होती है 106। तो हर सब्जेक्ट के लिए फिजियोलॉजी के लिए 26, सिटेक के लिए 16, इकोनॉमिक्स के लिए 93, एक्सटेंशन के लिए 99, एएसडीएस के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 52, डेयरी के लिए 45, एंटोमोलॉजी के लिए 103, पैथोलॉजी के लिए 95, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 18, 18, सॉइल के लिए 104, बायोकेमिस्ट्री के लिए 9, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 6, इरिगेशन के लिए 9 एंड मेट्रोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के लिए 18 सीट्स। टोटल है 882 सीट्स। तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से ये सब स्टडी करके ही आपको कॉलेज चूज करना है। आपका रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपका एग्रीगेट टोटल कितना होता है उसके हिसाब से ही आपको सीट्स देख के कॉलेज में, कॉलेज के हिसाब से आपको प्रेफरेंस फिल करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिजर्वेशन डिटेल्स दी गई है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से रिजर्वेशन है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो 13% रिजर्वेशन है, एससी को 7%, वीजे को है 0.3%, एनटी को 2.4-3.5 और एनटीडी को है 2%, ओबीसी को है 19%, एससीबीसी को है 12% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ये आपको याद रखिए कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसके लिए वेटेज कितना है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सीट्स में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और स्पेशल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं, अगर फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो 2%, हैंडीकैप है तो 5% रिजर्वेशन आपके लिए है, डिफेंस पर्सन है तो 2%, प्रोजेक्ट अफेक्टेड में आपका लैंड प्रोजेक्ट में गया हुआ है किसी तो उसके लिए आपको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, एग्रीकल्चरिस्ट है तो 6% रिजर्वेशन, फीमेल सेंस लड़कियों के लिए यहाँ पे 30% रिजर्वेशन है, ओके, गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा चांस है, 30% रिजर्वेशन एग्रीकल्चर में आपको मिल रहा है तो फायदा लीजिए। ये जो सोशल रिजर्वेशन है वो हर कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो हम जैसे अभी हम ओबीसी के लिए देखेंगे, ओबीसी के लिए 19% रिजर्वेशन है। और यहाँ पे हम एग्रोनॉमी अगर देखते हैं,
एग्रोनॉमी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 106 सीट्स हैं, नॉर्मली 106 सीट्स हैं, तो 106 सीट्स में 19% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए जाएगा, तो 19% में आपको लगे 20 सीट्स, तो 20 सीट्स तो आपके यहाँ पे ओबीसी के लिए चले गए, 106 सीट्स में से 20 सीट्स ओबीसी को चले गए, एससी का है 13% तो उतने अमाउंट ऑफ सीट्स एससी को चले जाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप रिजर्वेशन का परसेंटेज देखिए और सीट्स में से उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स में आता है एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, ये होते हैं मेजर सब्जेक्ट्स हो गई है। बाकी होते हैं माइनर सब्जेक्ट जैसे मेट्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, डेयरी हो गया, ये कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, मीन्स उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अगर आपका स्कोर थोड़ा लो भी है तो भी चलेगा, आप अगर प्लान करके अच्छे से सारी चीजें समझ के आप प्रेफरेंस डालते हैं सीट्स देख के और कॉलेज चूज करके प्रेफरेंस डालते हैं तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाई क्राइटेरिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाई क्राइटेरिया क्या है। अगर आपके मार्क्स किसी और स्टूडेंट्स जैसे दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ गए टोटल, तो उनमें क्या चीजें देखी जाती है, टाई हो गया तो उनमें क्या चीजें देखी जाती है जिसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम में अगर हायर मार्क्स है तो उसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर सीजीपीए ज्यादा है तो उसको, या सीजीपीए के बेसिस पे आपके अंडर ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन होता है उसे कंप्लीट होने में कितने साल लग गए, 4 साल का बीएससी एग्री होता है, उससे अगर उसे 5 साल लगे 6 साल लगे है तो 4 साल वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट की एज कितनी है एंड द लास्ट वन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड फर्स्ट। अगर आपका एप्लीकेशन पहले सबमिट हो गया जिस बंदे के साथ आपका टाई हो रहा है तो उन दोनों के बीच में एप्लीकेशन किसका पहले सबमिट हुआ है वो चेक किया जाता है और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी प्रोसीजर फिल करने की क्या है, तो चलिए देखते हैं।